राज्य में, राज्य का नाम है केरल। केरल अब ये मणिपुर से या यूपी से इस तरह आता ना तो आज आग लग जाती देश में, और करने वाले कोई और होते तो। लेकिन सुनिए, ये है केरल की तस्वीरें, और हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी करने वाली पार्टी का नाम जानते हैं क्या है? फिर अपनी याददाश्त पर गौर करिएगा इस पार्टी के बारे में किसने क्या कहा था। नारेबाजी करने वाले जो लोग हैं, इनकी पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। याद आया कुछ? वही मुस्लिम लीग जो बकौल राहुल गांधी 16 आने सेकुलर पार्टी, शानदार सेकुलर। वही मुस्लिम लीग जो विपक्ष के गठबंधन इंडिया, गठबंधन वाला इंडिया, इसे बोलूंगा विपक्ष के गठबंधन वाले इंडिया का हिस्सा है। जी हां, मेंबर i.n.d.i.a इंडिया अलायंस। वही मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस की साथी रही है, कांग्रेस की साथी। आप एक काम करिए, ये हैरान कर देने वाली खबर है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगी, दबा दी जाती है ऐसी खबरें। हम तो दिखाएंगे भाई, देश नहीं झुकने देंगे, खबर तो दिखाएंगे। पहले ऐसा करिए, आप ये नारेबाजी सुनिए, पूरी नारेबाजी सुनिए, फिर हम आपको विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के असली आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये रैली मुस्लिम यूथ लीग, मतलब मुस्लिम यूथ लीग ने केरल के कासरगोड में मणिपुर हिंसा के विरोध में और मणिपुर के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित की गई थी। मुस्लिम यूथ लीग ये क्या है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अच्छा, इसमें भी इंडिया है वैसे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा है IUML, को ही मुस्लिम लीग कहा जाता है। फिर से कह रहा हूं, इनके नाम में भी इंडिया है, जो भारत के हिंदुओं को टांग कर जला देने की बात कर रहा है। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसके बारे में अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने कहा था कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है। देख लिया सेकुलरिज्म कितना कूट कूट कर भरा हुआ है, हो सकता है यही सेकुलरिज्म है विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया का। मुस्लिम लीग के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेकुलर ना हो, ये राहुल गांधी ने कहा था। और जो मुस्लिम लीग को सेकुलर नहीं मानता, उसने मुस्लिम लीग को कभी समझा ही नहीं। हालांकि ये